हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरे फिर एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। प्लीज़ गाइस, आप मेरा वीडियो देखिए, पसंद आए जैसा भी हो तो अपना ओपिनियन दीजिए। तो गाइस, आज मैं क्या दिखाऊंगी आपको? कुछ भी नहीं गाइस। गाइस, आप समझ सकते हो मैं मायके से आई हूँ, तो अभी आई हूँ तो घर में बहुत सारा काम है। और कल तो मैं दिन भर आने के बाद काम ही करते रह गई थी। और आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुले हैं, जो देख सकते हैं मौसम भी कैसा है, बारिश वाला। चारों तरफ कपड़े लटके हुए हैं, कुछ इधर है, कुछ मशीन के अंदर है, अभी इसे डालना है। देख रहे हैं, अभी इसको सुखाने डालना भी है। और बहुत सारे कपड़े धुल के रखे हुए हैं, देख सकते हैं ये इतने सारे कपड़े, ये पूरा तो देख रहे हैं आप लोग कितने सारे कपड़े धुली हूँ मैं। मौसम बहुत खराब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये चेयर पे रखा हुआ है, यहाँ देखो वही कपड़े कपड़े कपड़े, अभी कुछ कपड़े यहाँ डले भी है। तो गाइस देख रहे हैं मौसम कैसा बन रखा है। तो गाइस, मौसम का ये हाल है तो मैं कैसे काम करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में, जो कपड़े बचे हुए हैं मैं उनको डाल लेती हूँ। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है और 4 बज गए। तो गाइस मैं कपड़े डालूंगी, खाना खाऊंगी और उसके बाद फिर आप लोगों से। वैसे तो मैंने खाना में क्या बनाया था, दाल बनाई थी, सिंपल दाल, चावल और मैंने थोड़ी सी खीर बनाई थी तो दूध बहुत सारा बचा हुआ था इसलिए मैंने खीर बना ली। तो बने रहिए गाइस, मैं खाना खा लेती हूँ। तो गाइस आपने देखा, शाम के 6:30 बज गए हैं और बाहर हो रही है बारिश और इसलिए मैंने कपड़े डाल दिए हैं अंदर। गाइस सूखे नहीं और कपड़े डाले हैं और कपड़े मैंने डाल दिए, रख दी हूँ कुर्सी के ऊपर। देख सकते हैं इतने सारे कपड़े, ये सब मुझे फोल्ड करने हैं सूख गए। तो गाइस मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए हैं, ये चादर फोल्ड करके रख दी है और ये कपड़े रखे हैं प्रेस करने के लिए। ये कपड़े प्रेस करने के लिए है गाइस, और मैंने अपने पहनने वाले कपड़े यहाँ रख दिए फोल्ड करके और बाकी मैंने अलमारी में रख दिए। तो गाइस देख सकते हैं मैंने आज ढेर सारे कपड़े धुले और ढेर सारा काम किया। कुछ बाकी के काम हैं जो मैं कल करूंगी। तो गाइस मैं जाऊंगी, थोड़ा सा बनाऊंगी चाय और चाय पीऊंगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही।